हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ए के फिलहाल आप एक सिंगर रिएक्शन स्क्रीन पे देख सकते हैं तो अभी तक मैंने इसको जो है टेक चैनल पे जो है इसका टेक चैनल अभी बनाया नहीं है यानी कि मैंने जो है अभी तक इसका नाम चेंज नहीं किया है मगर जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है तो कुछ दिनों के बाद मेरा जो चैनल का नाम है वो ए के हो जाए तो चलिए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं या फिर ये कहिए कि आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने वीडियो पे व्यूज़ कैसे ला सकते हैं तो ये जो ट्रिक है जो चीज़ें हैं कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी तो ये सारा चीज़ जो है मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश ये करूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के अकाउंट को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग टेकअ टिप की वीडियो जो है आपको मिलती रहे तो दोस्तों आपके वीडियो पे व्यूज़ लाने के लिए आप कौन सा ऐसा तरीका यूज कर सकते हैं जिससे आपका वीडियो जो है वायरल हो और ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्टेड यूट्यूब के सजेस्टेड में या रिकमेंडेशन वीडियो में आपका वीडियो जो है वो शो करे और आपका वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सके दोस्तों सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप जिस टॉपिक पे भी वीडियो बना रहे हैं तो उसको आप सर्च कीजिए कि वो टॉपिक पे सर्च कितना है यानी कि लोग उस टॉपिक पे वीडियो सर्च करते हैं या नहीं और उसका कंपटीशन वगैरह जो चेक करना इस बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से जो है आप देख सकते हैं दोस्तों इसके बाद में जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद में आपका वीडियो को दो से तीन दिन के बाद आपको क्या करना है आपको वाई टी स्टूडियो ऐप या फिर यूट्यूब स्टूडियो ऐप जो आ, प्ले स्टोर में अवेलेबल है और बहुत सारे यूट्यूबर इसको यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करता हूँ तो इस ऐप को जो है आप ओपन कर लीजिएगा जब भी वीडियो आपका दो से तीन दिन हो जाए तो ये आज मैंने अपलोड किया है और जैसे कि आप मान लीजिए कि ये वीडियो मैंने लगभग दो तीन दिन नीचे अपलोड किया था तो यहाँ से जो है अब हमको क्या करना है हमको यहाँ से हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ से जो है डिस्कवरी में जब जाएंगे तो डिस्कवरी में आपको यहाँ पे टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स का ऑप्शन आपको मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो वीडियो इस वीडियो पे कौन कौन से जो कीबोर्ड के जरिए जो है हमारे इस वीडियो तक अभी तक व्यू आया है तो आपको जो है इन कीबोर्ड्स को जो है देख लेना है फिलहाल जो है अभी लास्ट 28 डे का दिखा रहा है तो हम यहाँ से चलिए लास्ट सेवन डे में चेक कर लेते हैं और यहाँ से आप देख लीजिए कि ये जो है बाहुबली रेबल एक्शन का रिएक्शन तो दोस्तों ये जो है ये वो कीवर्ड है जिसके जरिए हमारे वीडियो पे ट्रैफिक आ रही है तो इन कीवर्ड को आपको लिख लेना है नोट कर लेना है और इसको जो है टैग की तरह आप अपने वीडियो पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर टॉप यूट्यूब सजेस्टिंग वीडियो जो है आप यहाँ देख लीजिए चेक कर लीजिए और यहाँ आप देख सकते हैं कि 54 परसेंट जो है इस वीडियो जो है मेरा इस वीडियो को सजेस्ट कर रहा है तो यहाँ से आपको क्या करना है इस वीडियो का जो टैग है उसको आपको ढूंढना है तो टैग किस तरह से किसी वीडियो का अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे ढूंढ सकते हैं तो उसके बारे में भी मैंने वाइटी सपोर्ट इन हिंदी चैनल पर मैंने ऑलरेडी बनाया है तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं कि किसी भी टॉप वीडियो का या किसी भी वीडियो का टैग आप किस तरह से देख सकते हैं और उस टैग को कॉपी करके अपने वीडियो पे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका वीडियो भी जो है उन वीडियो के सजेस्टेड में शो करे तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको हर वीडियो जो भी वीडियो है चाहे आपने नया अपलोड किया हो या पुराना आपका वीडियो है जिसपे व्यू नहीं आ आ रहा है तो इसको जो है हर महीने पंद्रह दिन में आपको ये सारा चीज़ जो है कंटिन्यू करते रहना होगा दोस्तों आप अगर पीसी या कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ से जो है आप को जो है इंस्टॉल करके वहाँ से भी आप जो टैग है उसका रैंकिंग चेक कर सकते हैं जो आपने यूज़ किया है या फिर किसी टॉप वीडियो का जो जो टॉप वीडियो है जो आपके वीडियो को सजेस्टेड कर रहा है उसका जो है आप रैंकिंग देख सकते हैं और उस कीबोर्ड को जो है आप अपने वीडियो पर जो है टैग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उन टैग को जो है आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका वीडियो भी उन्हीं वीडियो के साथ सजेस्टेड में हो या फिर कहीं ना कहीं आपका वीडियो जो है रैंक करे इसके अलावा दोस्तों जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं अपलोड करते हैं तो आपका जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तो हमेशा यूज़ कीजिए कि टाइटल जो है वो लंबा रखिए शॉर्ट टाइटल में जो है आपको कीवर्ड बहुत कम पड़ेगा तो बहुत सारा जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करके कीवर्ड क्या होता है दोस्तों कीवर्ड होता है जैसे कि अभी यहाँ देखिए बाहुबली ये है कीवर्ड है उसके बाद में आप यहाँ से देखेंगे तो जैसे कि रेबल स्टाइल है रेबल है रेबल क्योंकि एक मूवी है प्रभास का तो वो एक कीबोर्ड है लोग रेबल भी जो है सर्च करते हैं उसके बाद में जो है प्रभास कीवर्ड है प्रवास को सर्च करते हैं बाहुबली टू सर्च करते हैं तो ये सारा जो है कीवर्ड है तो इस तरह का कीवर्ड को यूज़ करके जो है आप लंबा टाइटल बनाइए हंड्रेड वर्ड का जो टाइटल होता है तो कोशिश कीजिए कि जो आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबा यानी कि हंड्रेड वर्ड्स के अंदर जो है अपने टाइटल रखने की कोशिश कीजिए इसके अलावा दोस्तों जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें तो डिस्क्रिप्शन लिखें तो डिस्क्रिप्शन को जो है आप लंबा लिखने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपका डिस्क्रिप्शन में भी जो आपका वीडियो टाइटल यूज़ किया है उसके कीवर्ड और उसके बाद में जो टैग आपने अपने टैग पे यूज़ किया है वो आपके डिस्क्रिप्शन में रहे तो इससे होगा ये कि आपका यूट्यूब जो है आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग को मैच करके यूट्यूब ये समझ लेगा कि आपका वीडियो किस टॉपिक पे है इसके अलावा जो है आप अगर थम अट्रैक्टिव थम लगाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग एट्रैक्टिव इस तरह का थम आप यूज़ करेंगे जो क्लिकेबल हो यानी कि लोग जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन बाद में पढ़ते हैं सबसे पहले जो है देखते हैं वीडियो का थंबनेल तो थंबनेल जो है अट्रैक्टिव रहना चाहिए तो आपकी कैटेगरी आपके टॉपिक के हिसाब से जो है आप पहले सर्च कीजिए कि जो वीडियो आपने बनाया है वो वीडियो जो है उसमें से जो टॉप टेन जो शो होता है तो उसका थम को आप एक बार देख लीजिए मान लीजिए कोई वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ किसी टॉपिक पे तो यहाँ पे मैं चलिए यूट्यूब में सर्च कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे बनाना है बाहुबली तो चलिए वो मेरे चैनल का है मेरे ही वीडियोज़ आएंगे तो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल जो है मैं एक सर्च करता हूँ तो दोस्तों तो इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना है तो चलिए मैं इसको सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ जो टॉप के जो वीडियोज़ हैं तो उस पर जो है थंबनेल किस तरह से डिजाइन किया गया है तो किस तरह का अट्रैक्टिव थंबनेल है ये थंबनेल ही अट्रैक्टिव होगा दोस्तों तभी जो है लोग आपके वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इससे जो है इसी थंबनेल को कॉपी मत कीजिएगा मगर हाँ इस थंबनेल से जो है मिलता जुलता या इसी के टाइप का जो है थंबनेल यूज़ कीजिए और थंबनेल पे हमेशा मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप अपना जो है फ़ोटो जो है यूज़ कीजिए आप देखिए टॉप के जो फर्स्ट नंबर तो नहीं दो नंबर ये जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं सब में जो है सभी लोगों ने जो है अपना इमेज जो है यूज़ किया है और उनका जो एक्सप्रेशन जो है आप अपने फ़ोटो का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से रखिए मतलब सिंपल नहीं रहना चाहिए कुछ अलग सा रहना चाहिए जैसे कि कोई डाउट हो या फिर कुछ चीज़ जैसा कि ये आप देखिए इस थंबनेल को देखिए तो इस तरह से जो है आपको कुछ एक्सप्रेशन के साथ जो है आपको थंबनेल डिजाइन करना होगा तो ये जो है अट्रैक्टिव लगता है और लोग सोचते हैं कि हाँ कुछ तो इस वीडियो पे है और क्लिक करके जरूर देखेंगे तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए आज के वीडियो में बस इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद